यार ये बीच में क्यों आ रही है? अबे सेल्फी लेनी थी। पता क्या बोलेगी ईशा, एक बार फिर से मांग भर रही, ये शूट नहीं हुआ। अच्छा भाई अगर सारे सेब नीचे गिरे तो याद रखना ईशा बाहर पड़ेगी। हम पेड़ पर आते आते एक एक तक डेली बांटते थे, एक एक बाइट डेली खाते। मतलब वैसे ही रख लेते सेब कसम से। मैंगो सिटर ये पकड़ ले, ठीक है। तो गाइस अब हम कर रहे हैं हेल्प। Believe to find my way. Caught up in a daydream. I be in my mind. Hey guys, so welcome to my channel again. एक new vlog में स्वागत है आपका। और ईशा से मिलिए, ईशा कुछ कहेंगे? ईशा कुछ कहें अपने चैनल के बारे में, आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो? क्योंकि हमारे पास फोन नहीं है, हम बहुत ज्यादा गरीब हो चुके हैं। ईशा पास फोन नहीं, ईशा बहुत ज्यादा गरीब हो चुके हैं। जी हाँ, हम तो आप कहाँ बनेगा? अब हमें कटोरा लेके जाना। कटोरा लेके फोन मांगेंगे? सर बोला अल्लाह के नाम पे एंड्रॉइड फोन सब इसमें डालते जाओ जिसके पास। भाई ईशा को आ रहा है रोना क्योंकि भाई घर में कोई फोन नहीं पकड़ा। और मम्मी जी धो रहे हैं कपड़े और मैं भी जा रहा हूँ मदद करने। मम्मी जी अम्मा जी हम भी जा रहा हूँ मदद करने। गाइस हमारा लंच हो चुका था बहुत जूम और अब हो गया है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट। और गाइस आप देख सकते हो अब हमारा गिम्बल हो गया सेट और ईशा पे क्वालिटी बैठ चुकी है। और इंद्र दीदी ये सैम कपड़े क्यों लगाते लेकिन मेरे सामने दिखाते कब इसको पता चलेगा कि हम पहले ईशा दीदी को इंद्र दीदी बोल देता हूं। अगर इतने पैसे यार चश्मा ही हम घर पे ले आए और इधर भाई कितने सारे काम करने के लिए आए हैं। ईशा भी आई है काम करने के लिए। इंद्र कैमरा मैन आ चुका हूँ। गाइस ये मौका कहाँ मिलेगा ऐसी जैसी मेमोरी भी सेव करने का। इंद्र दीदी धो रहे कपड़े और मम्मा भी कर रहे हैं इनके साथ हेल्प। और भाई साहब और कौन कौन कर रहे हैं? मदद कौन कर रहा है? मदद चश्मा कर रहा है। अरे मैं क्या आया हूँ, मैं दिला सकते हैं कालू चिट्टू सारे मदद कर रहे हैं। गाइस इधर तो ईशा को देख सकते हो, ये सूख के खुशबू ले रही है। और डिटर्जेंट की कौन लेता है खुशबू? मैं लेती हूँ। तो गाइस अब एक नमूने और के बाद जाते हैं हम, जो इधर क्या कर रहा है देख सकते हो आप। मुझे ये रेड वाला सेट चाहिए इसको पेड़ के बीच में ना। भाई अगर सारे सेब नीचे गिरे तो याद रखना ईशा बाहर पड़ेगी। नहीं ये वाला सेब दे ना काल के। कौन सा सेब? ये रेड। ईशा ने गाइस और सेब भी नीचे करा लेने इस रेड सेब के लिए। और रेड सेब हम दिखाना चाहते हैं आपको, ये कौन सा है, कौन सा रेड सेब है वो ऊपर? ये रेड सेब है गाइस, ये वाला रेड सेब है। और ईशा निकालना चाहती है। ईशा मार छलांग, इतनी कश्ती क्यों, सब्र रख डांग लाएगी। अबे छोड़। ईशा ने ले आया हथियार गाइस, AK-47 ले आई आप सेब को गिराने की कोशिश के लिए। सेब को गिराने के लिए की कोशिश पूरी। और ये देख सकते हैं हमारे अब खिलाड़ी अब पास होते कि फेल होते, लेकिन इतने पास से सेब गिराना तो ओ तेरी नीचे गिर गया, नीचे गिर। ईशा नीचे पुष्पा राज झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं झुकेगा। हाँ जा रहे हो तो भाग यार, ये बीच में क्यों आ रही है? अबे सेल्फी लेनी थी। ईशा मम्मी ने बोला था आधा सेब काटना था आधा उधर ही रखना था, तूने तेल से पूरा नहीं खाया जाता तो आधा सेब उधर ही रखना था। जैसे मैं और इंद्र दीदी छोटे छोटे होते थे तो हम क्या करते थे? हम पेड़ पर आते आते एक एक तक डेली बांटते थे, एक एक बाइट डेली। मतलब वैसे ही रख लेते सेब कसम से। इसको बोलते बी इंग्लिश में। एप्पल है, एप्पल ना इसके साथ में जो लगा हुआ कसम से गजब गजब एप्पल है। इसको हम खाऊंगा बाद में, लेकिन अभी छुप के। और इंद्रदी तेरे को एक और चीज याद है, जब हम मक्खियाँ मम्मी बोलते हैं मक्खियाँ लाओ तो मतलब मक्खियाँ खानी हो तो
सारी मक्के जिसको अच्छा वाला डाले हो जो सबसे बड़ा पहले देखना वो निकाल के सब कुछ अच्छा अच्छा सबको तोड़ना ऊपर से अच्छा इसको पूरा हम छिलका निकाल लेते थे गाइस और उसके बाद आधा निकालते थे ना उसके बाद देखते थे कि कौन सी अच्छी वाले दाले जिसे कौन सी कच्ची है उसको और छोड़ के वो भी नाखून से भी चेक करना ओए इसमें रेड रेड खून निकल रहा है और ईशा की गाय शक्ल बन रही है मैंगो की तरह पूरा वो लेकिन कौन सा कापी वाला मैंगो जो हम किताबों में मैंगो नहीं देखते अचार ही आम तो गाइस अब वीरों के वीर लखवीर सिंह जी काम करेंगे पैर भी घुल जाएंगे शायद कभी धोए नहीं तूने इतनी बेइज्जती साली मैंने पैर नहीं धोए मैं साली मेरी डेली धोके भी वैसे तेरे महीने में धोकर भी उससे गोरे किसके मेरे ना तो शायद गाइस आज छोटी बहन मेरी तारीफ कर रही है क्या चक्कर है क्या रक्षाबंधन नजदीक है तभी शायद नबे मैंने मांगा कौन सा तेरे को रक्षाबंधन हां तो गिफ्ट तुझे पता है हमने दे ना लियो कोई उल्टा मैं दूंगी क्या मिठाई लाग गए मिठाई ईशा लाएगी मिठाई ओ मोर 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 स्वीट सिस्टर लेकिन जितना खिला पिला रही हो ना जिस दिन तो फेमस हुआ सारा खुश उम्मीद वापस ब्लॉग ब्लॉग करता था कम से कम 20-30 दिन के बाद ऐसे वो लग रहा है ऐसे कुछ चाहिए भी कोई मतलब साइड कमाई से अगर कुछ चाहिए भी ना तो ब्लॉग यूट्यूब से चाहिए जिद है का तो यार 10 रुपए तक तेरे 1 रुपए अब नहीं खाना एक काम करते रहा मतलब फ्रंट लेते आज 10 रुपए इनकम कल 11 रुपए होनी चाहिए परसों 12 होनी चाहिए ठीक है नहीं अगर आज 10 है तो कल 20 बननी चाहिए चलो ठीक है गुगलू मैंगो सिस्टर ये पकड़ रहे ठीक है तो गाइस अब हम कर रहे हैं हेल्प गाइस मैं लाइफ में पहली बार देख रही हूँ इसको हेल्प करते हुए यार ऐसे जैसे काम में शो ऑफ के लिए करता हूँ ना कभी कभी हम सारे शो ऑफ करते हैं यूट्यूब के लिए पूल खोल देनी चाहिए इतना भी नहीं करते इतना में हमारा सड़ियल फ्यूचर कैमरामैन ईशा को कभी शादी में लिया जाए शूट करने के लिए तो है मैं दुल्हन के पैर लाऊंगी दुल्हन की किसी दुल्हन की मुंडी और किसी दूल्हे के हाथ ही आएंगे जो देख मैंने खली वाली शक्ल ले आनी मगर नहीं ऐसे बोलेगी ईशा ला फिर लोग खली से डरते हैं द ग्रेट खली पता क्या बोलेगी ईशा एक बार फिर से मांग भर ये शूट नहीं हुआ सही बात है नहीं तो बोलेगी नहीं जय वाला फिर से उतारो दोबारा डालो क्योंकि मुंडी आई आपकी बट वो कर लेंगे जा बे ये दिखा बे बोतल जैसा क्या बना है अच्छा शाग बोलते हैं यार ये थी बेस्ट एक्सप्लेनेशन मेरे भाई मेरी तरह ही दे सकते गाइस आज हम वो कंबल धो रहे हैं जो हम कभी नहीं लेते वो कंबल धोए जा रहे हैं क्योंकि ये होते पुराने जमाने के कंबल इनको लोग लगाते थे मतलब यूज करते थे लेकिन हम नहीं करते यूज मम्मी ये दिखा रहे किसने लोग हैं धो रहे किसने लोग इसको कोई लेता नहीं सही नहीं लेता कोई भी चलो तुम्हारे बड़े पैरों के दर्शन हो गए हम मिनी ब्लैंकेट लेते हैं गाइस सिर्फ बस क्योंकि ये खाते हैं हमें गाइस हम वो भी नहीं लेते हैं हमको नहीं खाते हैं गरीब जो है जिनने बनाया ना उनको नहीं खाते नहीं इनको भी ले लेता हूँ लेकिन पता कैसे लेते हैं गाइस अंदर से मिनी ब्लैंकेट होगा उसके ऊपर ये डाल सकते हैं बस कवरिंग मतलब मस्त है ये मेरा है प्लेइंग टाइम अब मैं गिल्ली के साथ खेलूंगी ये खेलने वाली चीज है गिमल गया शक्ल बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी गाइस देखो जब बंदे बड़े हो जाए ना और दिमाग बच्चों वाला हो ना तो उनको खेलने के लिए भी खिलौने क्या चाहिए लाख लाख रुपए के खिलौने चाहिए कैमरा ही दा जट्टा सुस्ती दा नहीं होगा थोड़ा पानी खुद के सर पे भी डालना क्यों चश्मा है ये मैं इसी से जिम जिम करूंगा कल ओके ओके डोले फटफट के बाहर आ रहे हैं सच्ची तूने आ रखा कैमरा तेरे को पहला बंद कर तो गाइज अब हम ये कंबल पीटने वाले साइड हटा बैठा टांग साइड हटा तो गाइज अब हम कंबल पीटने वाले और कैमरा हमने कर दिया शट तो Run away, I don't have to plan it I can go, change my fate You won't understand it All alone, that's okay तो गाइस अब हम चलते हैं घर की ओर
और घर में देखते हैं क्या क्या बनाया। ईशा ने गिम्बल की इतनी तबाही कर दी है गाइस, बोलने की कोई बात नहीं। ये देखो बेचारे अपने, ये कौन है, ये कौन है, पहचानी नहीं आती जब से आपने इनके बाल काटे थे। तो गाइस अब मैं भी खाता हूँ खाना, और होप आपको व्लॉग पसंद आया। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट मार लीजिए यार, जो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग। ये क्या चक्कर है, तुम तो सतयुग की देवी लग रहे हो। इंद्र दीदी तू सतयुग की देवी लग रहे हैं। हो भाई गार क्या लुक बनाई है दीदी। गाइस इसका नाम है पारुल, लेकिन मैं पहले बोलता हूं इसको ऐसे ऐसे कॉमेडी। बाय बाय करो, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नए व्लॉग में।